नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम मानवेंद्र कुमार है और मैं एक PhD स्टूडेंट हूँ। तो दोस्तों, जब से मैंने अपना ये YouTube चैनल शुरू किया है, तब से मैंने कुछ भी PhD के रिगार्डिंग बातचीत नहीं की है। तो मुझे लगा कि ये एक नाइंसाफ़ी है कि जिस प्रोफेसर ने मैं खुद अपने भविष्य की तलाश कर रहा हूँ, उसके बारे में जो है वो आप लोग के साथ कुछ डिस्कस ना करूँ, कुछ मेरे पास है तो वो बांटूँ ना आप लोग के साथ। तो दोस्तों, PhD का सीधा सीधा सा मतलब क्या होता है? मतलब है रिसर्च, इनोवेशन। और मैं शुरुआत करूं अपने भारत देश से, तो जो मेरा देश है वो दुनिया के टॉप जो 5 इकोनॉमीज़ हैं उनमें से एक है। बट ये जान के आपको हैरानी होगी कि पूरी इकोनॉमी का 1% से भी कम खर्च करता है हमारा देश रिसर्च के ऊपर। वो बिलीव नहीं करता कि इसके ऊपर इन्वेस्ट करने से जो है वो कुछ अच्छा रिटर्न मिलेगा, देश की ग्रोथ होगी। हाँ, लेकिन अगर कोई और देश जो है वो कुछ इन्वेंट करता है, कुछ नया खोज के निकालता है, तो उसको जितना रिसर्च पे फंड करना चाहिए था उससे 50 गुना ज़्यादा पैसा उसको दे के उस टेक्नोलॉजी को ख़रीदता है। और फिर सारे देशवासी जो हैं वो उसकी वजह से अपने लाइफ को ईजी बनाते हैं। बट इस बात पर बिलीव नहीं करता कि बहुत ही कम पैसा खर्च करके मैं रिसर्चर्स को मोटिवेट कर सकता हूँ, PhD की क्रेज़ बढ़ा सकता हूँ और इसका पर्पस जो है वो सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं, ये चीज़ करो, प्लेटफॉर्म हम तुम्हें दे रहे हैं, फंडिंग हम तुम्हें दे रहे हैं, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करके दिखाते हो। देखो, मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट ज़रूरी समझता हूँ इस मुद्दे पे बात करना, बिकॉज़ मैं अपने जितने भी दोस्तों से बात करता हूँ या किसी अनजान से भी अगर मैं बात करता हूँ अपने देश में ज़्यादातर, तो PhD तो कहीं पे किसी का सेंस होता ही नहीं है। बहुत ही नीच एक पॉपुलेशन है या स्टूडेंट्स का एक कम्युनिटी है जो कि बिलीव करती है कि हाँ, उसको PhD करना चाहिए, वो बहुत नीच है। बट ओवरऑल अगर किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी कोर्स के बच्चों से बात करें तो उनका ये होता है कि हमें जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है, हमें कॉर्पोरेट में जाना है या फिर हमें अपना खुद का बिजनेस करना है या और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन मेरी इस बातचीत का मतलब ये भी नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की बुराई करूं कि वो गलत है और रिसर्च या फिर PhD जो है यही सब कुछ है। पॉइंट ये है कि PhD का पर्पस जो है वो हमने डिफाइन क्यों नहीं कर रखा है। व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट कंसीडर PhD एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर। एक छोटी सी आपको कहानी बताता हूँ कि हम सभी क्या हैं, इंसान हैं हम। हमारा कभी एक ऐसा दौर था कि हमारे पास आग नहीं थी, हमारे पास पहिया नहीं था, हमारे पास एक सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं थी, खाने का ढंग नहीं था, कुछ नहीं था हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी थी और हम किसी भी तरीके सर्वाइव करते थे। बट उनमें से कुछ इंसानों ने सोचा कि यार एक कुछ अलग सा कुछ खोजने की कोशिश करते हैं, या उनके दिमाग में कुछ स्पार्क हुआ और उन्होंने आग का जो है वो डिस्कवरी की, या फिर किसी ने पहिया बनाया, या किसी ने जो है वो आगे चल के कंप्यूटर बनाया, किसी ने मोटर गाड़ी बनाई एक छोटे से रिसर्च से। वो सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ आ गई, अब यहाँ से कहाँ चली जाएगी? तो क्या विदाउट रिसर्च, विदाउट इन्वेंशन ये पॉसिबल है कि हम अपने देश का भला कर पाएँ, अपने देश की प्रगति में जो है वो कंट्रीब्यूट कर पाएँ? तो मेरा कहना यही है कि आप सभी अपना दिमाग जो है वो अपने सोसाइटी के, अपने भैया और अपने नोन एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे दौड़ने से हटाइए, अपना खुद का दिमाग लगाइए। ये बहुत तगड़ी चीज़ है जो भगवान ने हमें दे रखी है, और अगर हम इसका यूज़ करें जैसा उस इंसान ने आग खोजा था, वैसे ही आप कुछ कर सकते हैं और इस बात की गंभीरता को आप खुद समझ सकते हैं।
अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो उसके पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो कुछ इस सभ्यता को दे सकता है, अपने देश के लिए कुछ कर सकता है, तो आप रिसर्च में अपना कदम ज़रूर बढ़ाइए, क्योंकि ज़रूरत है इस देश को आपकी। और अपना मोटिवेटर खुद बनिए, किसी और पे अपना मोटिवेशन या फिर अपने करियर का जो सिलेक्शन है वो मत रखिए, नहीं तो आप हमेशा किसी और के द्वारा ही ड्राइव किए जा रहे हैं ना। अपनी ड्राइवर सीट पे खुद को ही बैठाइए। एक दो बार लड़ेंगे, एक दो बार गाड़ी चलानी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप सीख गए तो उस ट्रैक पे सबसे कंफर्टेबल इंसान आप ही होंगे। तो इस पूरी वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो बच्चे अपना भविष्य इनोवेशन की तरफ देखते हैं, उन बच्चों को बल मिले और बड़ी निर्भीकता से वो आगे बढ़ें। ओवरऑल इस वीडियो का एसेंस अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप चाहते हैं कि बाहर के देश जैसे विकसित राष्ट्र हैं, उन राष्ट्र को देख करके जो आपके अंदर एक चाहत आती है कि मुझे भी वहाँ जाना है, अगर इस चाहत को हर भारतीय के अंदर से ख़त्म करना है, तो उसे रिसर्च में अपनी काबिलियत दिखाना ही पड़ेगा। नहीं तो हमेशा हम उन देशों के खरीदार बने रहेंगे, हम उन देशों के पीछे भागते रहेंगे, बिकॉज कि वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि यही एक तरीका है जिसकी वजह से पूरी दुनिया को अपने ऊपर केंद्रित रखा जा सकता है। तो इस बाउंड्री को तोड़ने की ज़रूरत है, और वो हम आज के यूथ ही मिल करके तोड़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जो भी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, इस चीज़ को सोचिएगा ज़रूर। और अगर आपके खुद के कुछ पॉइंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो।